वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल सिविल फॉर इंजीनियर्स। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज का एक वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो है क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि 10th का रिजल्ट आ चुका है और PUC का रिजल्ट, इंटर का रिजल्ट आ चुका है। मैं सारे कैंडिडेट्स को मुबारकबाद देना चाहूँगा। आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैड स्कोर्ड वेरी वेल, हु हैड टेकन डिस्टिंक्शन फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास। तो उन सारे कैंडिडेट्स के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से उन सारे लोगों के लिए, और ढेर सारा मोटिवेशन उन लोगों के लिए जिन्होंने फर्स्ट क्लास की उम्मीद रखी थी, सेकंड क्लास आए हैं, या डिस्टिंक्शन की उम्मीद रखी थी फर्स्ट क्लास आए हैं, या फिर सेकंड क्लास की उम्मीद रखी थी अब फर्स्ट क्लास आए हैं। तो निराश मत होइएगा, आज के इस वीडियो उन सारे लोगों के लिए है, उन सारे माता पिता के लिए है जो चाहते हैं कि अपने बच्चे को आने वाले फ्यूचर में कुछ अच्छी सी डिग्री दिलाए या फिर कुछ अच्छा कोर्स कराए जो उनके लिए सूटेबल हो। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे कोर्सेज़ के बारे में जो 10th के बाद करने चाहिए और PUC के बाद करने चाहिए, जिससे आपकी कोर वैल्यू, आपके बच्चे की कोर वैल्यू, आपके बच्चे का भविष्य जिससे अच्छा हो सके और जो भविष्य उसको आगे चलकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सके। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर 10th एंड आफ्टर PUC द मेन कोर्सेस और द मेन सब्जेक्ट्स टू बी फोकस एंड टू टेक एडमिशन इन दैट। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है अयाज, यू आर वॉचिंग सिविल फॉर इंजीनियर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार 10th के रिजल्ट्स आ चुके हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स कन्फ्यूजन में है कि भाई हम कौन सी चीज़ करें या कौन सी चीज़ ना करें, किस में एडमिशन ले, किस में एडमिशन ला ले। देखिए आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं 10th से। 10th स्टैंडर्ड के बाद में बच्चे को क्या करना चाहिए, क्या PUC करना चाहिए या फिर उसको कुछ डिप्लोमा करना चाहिए या कुछ ग्रेजुएशन करना चाहिए, BCOM में जाना चाहिए या फिर ITI करना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर बच्चा 10th के बाद, पहले आप कैंडिडेट से पूछिए, पहले उनसे पूछिए कि वो किस में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आपका लड़का इंटरेस्ट रखता है कि उसे 10th के बाद डिप्लोमा करना चाहिए तो उसे डिप्लोमा में एडमिशन दिलाइए। उसके अगर वो चाहता है कि इंटर में एडमिशन करना चाहिए तो इंटर में एडमिशन दिलाइए। अगर वो चाहता है कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर सके, वोकेशनल कोर्स करना कर सके, उसकी अगर ख्वाहिश है तो आप उसमें एडमिशन दिलाइए। हाँ, अगर माता पिता होने के नाते, मदर फादर गार्डियन होने के नाते आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई आप अपने बच्चे को ये समझाइए कि किस में बेहतर चीज़ है, आप उसको उसका साथ दीजिए, आप उसके साथ मिलकर उसको मोटिवेट करिए कि कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद है और कौन सी चीज़ से उसको फ़ायदा नहीं मिल सकता है। कैसा होता है 10th के बाद हो या PUC के बाद हो, बच्चे एक्चुअली, मेरा फ्रेंड कोई अगर कर रहा होता है तो वो उसके साथ करने, देखिए कैसा होता है, कोई अगर कर रहा है तो उसके साथ अपन भी करने के लिए कोई बुराई नहीं है, बट द मेन थिंग इज़ दैट वी हैव टू लुक फॉर आवर फ्यूचर। हमारे फ्यूचर की जिम्मेदारी हम होती है और हमारा फ्यूचर होता है हमारे फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड किस तरीके से है और मुझे किस तरीके से आगे जाना है, मेरी फैमिली को सपोर्ट करना है या फिर मेरी इंडिपेंडेंट लाइफ जीना है। तो ये सारी चीज़ें आपको उस चीज़ के ऊपर निर्भर करती है। तो अगर 10th का अगर कैंडिडेट है, 10th पास हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ अगर उसको जल्द से जल्द कमाने की ख्वाहिश है, जल्द से जल्द कुछ अच्छी सैलरी अर्न करना चाहता है, जल्द से अपने माता पिता का सपोर्ट बनना चाहता है या जल्द से जल्द कुछ अच्छी काबिलियत वाली डिग्री लेना चाहता है, मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आप डिप्लोमा के लिए जाइए। आप डिप्लोमा के लिए कौन सी भी स्ट्रीम के लिए जा सकते हैं, आप डिप्लोमा सिविल के लिए जा सकते हैं, डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए जा सकते हैं, डिप्लोमा CS के लिए जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये 3 ब्रांचेस जो हैं बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ में, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू में आप डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर 10th के कैंडिडेट्स ITI में लेते हैं, किसी और में लेती है, तो प्लीज़ सावधान हो जाइए, मैं बिल्कुल मना करूँगा इससे, क्योंकि आज के इस दौर में ITI की वैल्यू ना के बराबर है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा डिप्लोमा के लिए आप जा सकते हैं, बट इसके फ्यूचर में भी आपको आगे फ़ायदे हैं। जैसे कि अगर आप डिप्लोमा कर आगे जाते हैं तो आपको इंजीनियरिंग 3 साल का होता है, 1 ईयर आपको स्किप हो जाएगा, वहाँ से नेग्लिजिबल रहेगा। आप जाएंगे तो क्या, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन होगा, उसके बाद आप फाइनल ईयर यानी 3 ईयर्स होगा अगर आप डिप्लोमा करके जाते हैं। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप ना मत पढ़िए, आप डिप्लोमा 3 ईयर्स ख़त्म करिए। कोई अच्छी कंपनी में जॉब लग सकता है, कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब लग सकता है, आपको 25-30 हज़ार तनख्वाह हो सकती है स्टार्टिंग, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म करियर है जिसमें आप अपने फैमिली बैकबोन बन सकते हैं और अपने फैमिली, माता पिता या फिर जो भी है उनको सपोर्ट कर सकते हैं और अपना पैशन भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि आप एक तरफ 3 साल में आपको जॉब भी एक लग जाएगा और 3 साल के बाद में आप अगर चाहिए तो आप
डिस्टेंस से या फिर एक्सटर्नल आप एडमिशन लेकर आपके आगे की इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई टेंथ वालों की बात, और इसके साथ में अभी अगर हम आते हैं पीयूसी की तरफ, जो पीयूसी का रिज़ल्ट आ चुका है जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स पास हो चुके हैं, मैं उनको भी बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि देखिए, आप अगर पीयूसी कर कर कहीं जाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा पीयूसी करने के बाद में, आप अगर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट अगर है आपको तो आप इंजीनियरिंग लीजिए, मैकेनिकल लीजिए, बायोमेडिकल लीजिए, सिविल लीजिए, एरोनॉटिक्स लीजिए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, आप कहीं भी जाके एडमिशन ले सकते हैं। बट द मेन थिंग इज़ दैट कि आपको अपना CET अच्छे तरीके से देना होता है। वंस यू आर डन विथ योर CET, आप अगर CET अच्छा देंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी एलिजिबल फॉर योर डिज़ायर ट्रेड एंड ब्रांच। अगर आप चाहते हैं कि आपको इंजीनियरिंग करना है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि कुछ ऐसी चीज़ करिए जिसकी वैल्यू फ्यूचर में ज़्यादा हो। अभी कैसा है, हर जगह पर इंजीनियर्स है, हर जगह पर बैचलर डिग्री इंजीनियर्स है, हर जगह इंजीनियरिंग कॉमन है। तो आई प्रिफर्डली रेफर ऑल द कैंडिडेट्स जो PUC पास हो चुके हैं, कोई आप लोग सर्विसेज में आइए, सिविल सर्विसेज में आइए, IAS के लिए आइए, KAS के लिए आइए, आप ऐसी जगह एडमिशन्स लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी बहुत ही कम जगह है, यहाँ पर आपको चाहिए कि उसको फुलफ़िल कर सके। तो मैक्सिमम आप फोकस करिएगा सिविल सर्विसेज की तरफ। और जहाँ तक बात है इंजीनियरिंग और मेडिकल की, इफ़ योर एबिलिटी इज़ गुड कि आप अगर एडमिशन लेने के बाद में पक्का मैं पास कर सकता हूँ, पक्का मैं क्लियर कर सकता हूँ, तो आपको मैं रेफ़र करूँगा कि आप जाइए इंजीनियरिंग की तरफ, और आप डिसाइड करिए कि कौन सी इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन लेना है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या पेड हो। अब अगर आते हैं मेडिकल की तरफ, मेडिकल की तरफ भी आप ले सकते हैं। जैसा मैं आपने बताया कि आपका जो PUC के बाद का जो CET रहेगा, जो CET आप करेंगे, MCET आप करेंगे, वो किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, किस तरीके से आपकी रैंकिंग आएंगी, वो आगे चल के आपके करियर के ऊपर डिसाइड होगा। कि आप देखिए, एक अगर आप CET में अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली आपको सिविल मिलेगा करके ऐसी गारंटी नहीं है। अगर आप CET में अच्छा करते हैं तो आपको एक स्लॉट मिलेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मिलेगा एक स्लॉट जिसके अंदर इंजीनियरिंग कैटेगरी आएगी। इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंदर आपको बहुत सारी इंजीनियरिंग कैटेगरीज आएगी, उसमें से आपको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बायोमेडिकल, एरोनॉटिक्स, एरोस्पेस, ये बहुत सारे उसके अंदर आपको कैटेगरीज चुननी होती है। फिर उसके बाद में अगर इंटरेस्ट लेना चाहते हैं कि भाई नहीं, मुझे इंजीनियरिंग में जाना है या फिर मुझे BSc में जाना है, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। उसके अंदर देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप ये डिसाइड कर लीजिए आपको किस चीज़ में जाना है। आपको मेडिकल कोर्सेज में जाना है, पैरामेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, ह्यूमैनिटी कोर्सेज में जाना है, मैनेजमेंट में जाना है, कॉमर्स में जाना है, BSc में जाना है, लॉस में जाना है, क्या CA में जाना है। ये कुछ चीज़ें, लाइन कैटेगरी जो मैं अभी बताया आपको, ये कुछ कैटेगरीज हैं जो बेस्ड ऑन दी जी हाँ, जैसे मेडिकल कोर्सेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, MBBS आती है, BUMS आता, BAMS आता, BHMS आता, BDS आता, BVS आता, ऐसी बहुत सी चीज़ें। पैरामेडिकल में बहुत सारी चीज़ें आती है, फिर उसके बाद में इंजीनियरिंग बहुत सारे, एरोनॉटिकल आता, एरोस्पेस आता, आर्किटेक्चर आता, स्ट्रक्चरल आता, डिज़ाइनर आता, फिर उसके बाद में आप ह्यूमैनिटी कोर्सेज के अंदर आपको फिर आती है BA, इकोनॉमिक्स, फॉरेन साइंस, होम साइंस, जर्नलिज्म, लाइब्रेरिज्म और लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजिकल, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, ट्रैवल ह्यूमिलिटी, ऐसे बहुत से सारे मैनेजमेंट कोर्सेज के अंदर भी आपको बिजनेस मैनेजमेंट आता है, बैंक मैनेजमेंट आता है, इवेंट मैनेजमेंट आता है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट आता है, होटल मैनेजमेंट आता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आता है, लॉजिस्टिक एंड मैनेजमेंट आता है। ऐसे कॉमर्स के अंदर BSc, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल, ऐसी बहुत सी सारी कैटेगरीज आती है। तो आपको डिसाइड करना होता है कि आपको किस तरीके, किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है। अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप उसमें जाइए, और मैं उन सारे फादर्स, मदर्स और उन सारे गार्डियन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, बच्चा तो पास होकर आ गया है बाहर, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ गार्डियन, बीइंग ए फादर एंड मदर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने बच्चे को उसकी काबिलियत के मुताबिक उसको कहाँ एडमिशन दिलाना है आप उसमें मदद करना है उसको, ना कि आप अपने बच्चे के ऊपर छोड़ दें, तो ये भी बात ठीक नहीं होगी। जी हाँ, मैं यहाँ तक आपका समर्थन लूँगा कि आप अपने कैंडिडेट के साथ रहिए, आप अपने जो आपका जो लड़का है उसके सपोर्ट करिए, लड़का हो या लड़की हो उसे सपोर्ट करिए, मोटिवेट करिए कि कौन सी चीज़ में जाना है। कभी कभार ऐसा होता है कि कैंडिडेट का इंटरेस्ट एक तरफ होता है और माता पिता का इंटरेस्ट एक तरफ होता है, तो यहाँ पर आप ना ही एग्रेसिव होइए, ना ही आप एकदम से डीमोटिवेट हो जाइए कि भाई मेरे बच्चे, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसको
डॉक्टर बनाऊँ लेकिन वो इंजीनियरिंग की तरफ जा रहा है, बिल्कुल ऐसा मत होइए। आप बिल्कुल आर्ग्यूमेंट पे मत आइए, क्योंकि ये जो स्टेज है इट्स एन हेयर क्लिप बैंड, यहाँ पे बच्चे का टर्निंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पर आप उसके साथ जितना स्मूथली टर्न करेंगे आपके लिए उतना बेनिफिट होगा। आने वाले उसके फ्यूचर में आपकी छवि उसके दिमाग में एक बहुत ही अच्छी छवि के रूप पर निकल कर आएगी। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कैंडिडेट्स को सपोर्ट करिए, आप हेल्प करिए, आप उनको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप टोटली मना कर दीजिए, आप उनको ऑब्जेक्शन करिए। मैं ये कहूँगा कि आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए कि भाई ये करने से ये होता है, इस तरीके से ऐसे होता है। आप एक सॉफ्ट कॉर्नर से जाइए, लेकिन कहाँ पर लेके जाइए, बच्चे का इंटरेस्ट जहाँ पर होता है वहाँ पर आप उसको फोकस करने की कोशिश कीजिए। मैक्सिमम आप फोकस उसके इंटरेस्ट, यानी देखिए कैसा होता है इंटरेस्ट के अंदर। अभी मैं आपको कुछ बोला हूँ तो आप मुझे यहाँ पे एक सवाल करेंगे कि भाई बच्चे का इंटरेस्ट अगर मैकेनिकल में है तो मैं मैकेनिकल में उसको एडमिशन दिला दूँगा। मेरा बोलने का मतलब इंटरेस्ट ये नहीं है, इंटरेस्ट ये है कि उसका एक्सपर्टाइज एरिया देखिए कैसा है। देखिए मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मेरा एक्सपर्टाइज ये मेरा जो इंटरेस्ट है सिविल इंजीनियरिंग है। अब सिविल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल आती है, आर्किटेक्चरल आती है, ड्राफ्टमैन आता है, ऑटोकैड आता है, प्राइमेरा आता है, इरिगेशन आता है, एयरवेज आता है, रोडवेज आता है, रेलवेज आता है, ब्रिजेस आता है, डैम्स आता है, बहुत सारी कैटेगरीज आती है। तो इसके अंदर मुझे मेरा स्पेशलाइजेशन फाइंड करना होता है। वैसे ही अगर आपका बच्चा इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहता है तो आप भी इंजीनियरिंग में अगर जाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन उसके बाद में आप चुनिए कि इंजीनियरिंग में कौन से ट्रेड में उसका एक्सपर्टाइज है। यानी अगर वो बहुत ही अच्छा करता है इंजीनियरिंग, बहुत ही अच्छा मैथ्स में है तो उसको इंजीनियरिंग में डालिए, नहीं बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल फील्ड में अगर है आप उसको मेडिकल प्रोफेशन में डालिए, अगर बहुत ही अच्छा कैलकुलेशंस में है तो उसको CA में डालिए, अगर वो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कुछ करता है तो उसको बिजनेस मैनेजमेंट में डालिए, तो कुछ नए नए आइडियाज़ अगर लाता है तो उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डालिए। तो ऐसे ही बहुत सारे आपके कैंडिडेट को आप एक बार स्टडी करिए, आपके लड़के को, आपके जो लड़का होता है उसे स्टडी करिए, आप उसको स्टडी करके उसका जो एक्सपर्टाइज एरिया होता है, उसके जो डेली एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें देखिए 10th के मार्क्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में आए हैं उसको, PUC में कौन से सब्जेक्ट में आए उसको, तो उसके अनुसार उसके आधार पर आप उसका क्राइटेरिया सेट करिएगा। जी हाँ दोस्तों, वंस अगेन आई वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैड स्कोर्ड इन PUC ग्रेटर मार्क्स एंड इन 10th ऑल्सो वेरी गुड मार्क्स एंड स्कोर्ड अ लॉट डिस्टिंक्शन फर्स्ट क्लास एंड ऑल। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कुछ डाउट अगर है, कुछ अगर रिलेटेड क्वेरी है कि आपके लड़के को कुछ अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बता सकते हैं कि आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए या फिर कौन से डाउट क्लियरेंस चाहिए, तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड बाय बाय।